हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल देखिए फ्रेंड्स आज एक बहुत ही प्यारा सा हनी कॉम का कॉम्बिनेशन मैं आपके लिए लाई हूँ ये मल्टी कलर हनी कॉम है और देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आया है बनकर ये हम इस डिज़ाइन को हम सिंगल कलर में डबल कलर में या फिर मल्टी कलर में बना सकते हैं और देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं बच्चों की स्वेटर में कार्डिगन में लेडीज़ कार्डिगन में यहाँ तक कि आप इस डिज़ाइन को इसका कॉम्बिनेशन बनाकर ब्लैक ग्रे या फिर वाइट ग्रे बनाकर जेंट्स स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं इस डिज़ाइन से आप कैप बना सकते हैं बहुत प्यारी कैप लगेगी बच्चे की सॉक्स बना सकते हैं बच्चों के मल्टी कलर बहुत ही प्यारा लुक बनकर आता है इसका और देखिए किस हिसाब से मैंने इसमें कलर इस्तेमाल किए हैं देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है ग्रीन से टच होते हुए मैंने येलो कलर लिया है फिर उसके बाद ऑरेंज कलर रेड कलर डार्क पिंक कलर तो इस तरह से कंट्रास्ट में जब आप इसको चलाएंगे तो ये बहुत ही एलिगेंट बनकर आएगा आप जो भी चीज़ इसकी बनाएंगे बहुत प्यारी आएगी तो आज हम इस डिज़ाइन को बनाना इसमें सीखेंगे किस तरह से बनाया गया है देखिए अगर आप बिगनर्स हैं आपको बुनाई नहीं आती ज्यादा टफ लगती है आप तब भी इसको बना सकते हैं बहुत ही ईजी डिजाइन है सिर्फ इसमें सीधी सिलाई है और उल्टी सिलाई है इसके अलावा इसमें और कोई सिलाई नहीं है कुछ भी इसमें ट्रिक नहीं है बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करना ना भूलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को पास में बने हुए आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि की हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को मैंने बेबी वूल से बनाया है और इसको बनाने के लिए हम ऐट के मल्टीपल में फंदे लेंगे देखिए इसमें जो बीच में दिए गए हैं ये जो फंदे हैं ये दो दो फंदे हैं और बीच में जो ये कलरफुल फंदे हैं ये छः और छः फंदे हैं बीच में हमें दो दो फंदों का गैप रखना है तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का बॉर्डर तैयार करेंगे उल्टा या सीधा जैसे भी आप बॉर्डर बना रहे हैं वो बना लीजिए उसके बाद आप इसमें आठ के मल्टीपल के हिसाब से फंदे रखिएगा मतलब कि आठ आठ के जोड़ों में आपने बंदे इसमें डालने हैं उसके बाद देखिए जब आप बॉर्डर बेस कलर से बना लेंगे उसके बाद हम सेकंड कलर से सीधे फंदे बनाएंगे दो तीन चार तो चार फंदे हमने सीधे बना तो चार फंदे हमने सीधे बनाए उसके बाद दो बंदे इस तरह से उतार लेंगे फिर धागा पीछे रहेगा और चार फंदे और छः फंदे हम फिर से बनाएंगे तीन चार पाँच छः ये देखिए स्टार्टिंग में हमने चार फंदे बनाए उसके बाद दो फंदे उतार लिए फिर छः फंदे बनाए उसके बाद फिर से दो फंदे जो हैं हमारे बेस कलर के वो हम ऐसे उतार लेंगे फिर से छः फंदे बनाएंगे तीन चार पाँच छ उसके बाद फिर से दो फंदे उतार लेंगे और लास्ट के जो फंदे बचे हैं उनको हम ऐसे बुन लेंगे तो इसकी पहली लाइन जो है वो बन गई है दूसरी लाइन अब हम बनाएंगे बैक साइड से बैक साइड में देखिए हमें क्या करना है ये देखिए जिस कलर से आपने बुना था उसी कलर से आप इन इन फंदों को बुनेंगे जो बुने हुए फंदे उनको आप बैक साइड से उल्टा बुनेंगे और जो उतारे हुए बंदे हैं उनको आप उतार लेंगे इस तरह से फिर जो हमने बनाए हुए फंदे हमारे हम उनको बनाएंगे छः बंदे और जो हमने नहीं बनाए हैं जो उतारे हैं उनको हम एज इट इज उतार लेंगे इस तरह से फिर छः फंदे बुनेंगे देखिए आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं डबल में भी बना सकते हैं यहाँ पर मैं आपको मल्टी कलर बता रही हूँ किस तरह से बनाना है इसका तो ये लास्ट के चार फंदे भी हम बुन लेंगे ऐसे ही रो नंबर सेकंड जो है कंप्लीट हो गई है अब यहाँ पर हमारी देखिए रो नंबर थर्ड स्टार्ट होगी इसमें देखिए हमें क्या करना है जिस तरह से दो सलाइयाँ हमने बनाई हैं सेम उसी तरीके से हमें और दो सलाइयाँ बनानी हैं तो चार चार सलाईयों में ये एक कलर हमारा पूरा होगा तो अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ सीधी साइड से हम सीधा बुनेंगे जो फंदे हमने बुने हुए हैं उन्हें हमें बुनना है इस तरह से ये थर्ड रो है और फोर्थ रो भी हमारी सेम ऐसे ही बनेगी इसको हम पूरा कर लेते हैं इसी तरीके से ये दो फंदे उतारेंगे फिर से ये बुनेंगे तो इस तरह से ये वाली रो हम पूरी कर लेते हैं अब देखिए ये इस ये इस पैटर्न की बैक साइड है फिर से अब हमारी रो नंबर फोर्थ है तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे दो फंदे बुने फिर ये दो फंदे उतारे फिर छह फंदे बुनेंगे तो इस रो को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए चार रोज़ बनाने के बाद आपको इस तरह से नज़र आएगा अब हम इसकी पांचवी रो बनाएंगे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम जो हमारा बेस कलर है इससे हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे ये सीधी साइड है रो नंबर फाइव तो इसको हम इस तरह से सीधा सीधा बुनते जाएंगे सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं अब की बार हमें कोई बंदा उतारना नहीं है स्टार्टिंग में आपका ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ आ सकता है उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे इसको बुन लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे लाइक के बटन पर आप लाइक कर दीजिए तो देखिए फिफ्थ रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है अब बैक साइड पर देखिए हम क्या करेंगे बैक साइड पर हम इसको सीधा ही बनाएंगे इस तरह से जैसे हम सीधी सिलाई बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको बैक साइड से भी बनाएंगे ये इस पैटर्न की लास्ट रो है इसके बाद से हम फिर से कलर चेंज करेंगे और पैटर्न रिपीट करेंगे ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगी किस तरह से इसका पैटर्न रिपीट करना है देखिए यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है इसके बाद हमें इसको रिपीट कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ कलर भी हम यहाँ पर अपना चेंज करेंगे और पैटर्न को रिपीट करेंगे तो यहाँ पर हम दूसरा कलर अटैच कर लेते हैं तो अब देखिए हमने इसमें सेकेंड कलर अटैच कर लिया है अपना अब यहाँ पर हम पैटर्न रिपीट कैसे करेंगे देखिए ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा इस तरह से तो इसमें जहाँ पर हमारे छः फंदे हैं तो छ के बीच के फंदे हमें लेने हैं ये वाले दो तो इनको अब की बार हम उतारेंगे अब तक हम इनको उतार रहे थे इन दो फंदों को अब यहाँ पर हम बीच के दो फंदे उतारेंगे ये वाले फंदे। तो देखिए स्टार्टिंग से हम कैसे करेंगे स्टार्टिंग में दो फंदे हम उतार लेंगे अब की बार उसके बाद सीधी बुनाई करेंगे सीधी साइड से और सेकंड कलर से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे बीच में हमें छह फंदे बुनने हैं दो तीन चार पाँच छ देखिए अब ये इसका सेंटर हमारे पास है तो हम इसको यहाँ से दो बंदे उतार लेंगे इस तरह से फिर से छः बंदे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ फिर हम दो बंदे उतारेंगे और बाकी के छः हम बुन लेंगे तीन चार पाँच और छः देखिए इस तरह से हमारा जो है ये पैटर्न रिपीट होगा आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया है अब हम आगे रो नंबर फर्स्ट से फिफ्थ तक रिपीट करेंगे इसको देखिए चार लाइन हम इसकी इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद पांचवी और छठी जो लाइन बनाएंगे वो हम बेस कलर से बनाएंगे दोनों तरफ से उसको हमें सीधा बुनना है तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए सबके साथ और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी आगे आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं किस तरह की वीडियोस चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए एंड तक वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चलिए मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय